Hello class 1 children, how are you? Today I will teach you computer chapter 11 fun with code. Children, ये chapter 11 है computer का, ये last chapter है आपका. इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. देखिए इसमें help Toby reach this canal. We can move one square at a time, left, right, up or down. We cannot swim, so we cannot cross a square that has a pond. Toby can reach the canal this like this. अब Toby को इस canal में पहुँचना है. इसके लिए square को ये square में up down करते हुए, left right करते हुए ये इस canal में पहुँचेगा. ठीक है, तो ये कैसे पहुँचेगा ये आपको हमको इस पिक्चर्स में बताना है. ठीक है, देखिए फर्स्ट पिक्चर में टॉमी जो है वो राइट की तरफ जंप किया है. ठीक है, स्क्वायर में. ओके, चैनल टू में वो डाउन की तरफ जंप किया है, नीचे की तरफ दिख रहा है तो ये डाउन की तरफ जंप किया है. चैनल थ्री में नंबर थ्री में ये राइट की तरफ डाउन के बाद फिर ये राइट की तरफ लेफ्ट की ये राइट की तरफ ये मूव किया है. और नंबर फोर में फिर वो कैनल में पहुंच गया डाउन की तरफ मूव कर कर. ठीक है, इस तरह से ये अप डाउन कर कर ये यहाँ स्क्वायर अप डाउन करके हर स्क्वायर में, हर स्क्वायर में नहीं, अपने घर कैनल में पहुंचने के लिए वो किस तरह से जंप कर कर इसमें पहुंच गया है. इस पिक्चर्स में आपको क्लियर दिख रहा है ना, इस पिक्चर को गौर से देखना तो इसमें दिखा रहा है कि किस तरह से वो मूव करके अपने कैनल में पहुंचा है. ठीक है, तो ये फन विद कोड क्या है, इसमें स्क्वायर दिए रहेंगे, इसमें आपको जाने के लिए चाहे घर में पहुंचने के लिए इसमें आपको स्क्वायर में अप डाउन कर कर राइट लेफ्ट मूव कर कर आपको पहुंचना होगा. ठीक है चिल्ड्रन, अब इसमें देखिए, नाउ लेट अस से वी वांट टू राइट मूव राइट इन शॉर्ट. We can write, we say that is a code for move right. We can make more such code. Here are some. इसमें कोडिंग कर दिया गया है. मूव, अगर राइट मूव करना है तो राइट तक की तरफ एरो इंडिकेट करके मूव राइट वन स्क्वायर बोलेंगे, किसी को बताने के लिए हम ऐसे ही बोलेंगे ना. अगर स्क्वायर है इसमें क्रॉस करके कहीं किसी को अपने घर का ही सिंबल दिया गया हो, चाहे कैनल दिया गया हो, चाहे कोई भी एनिमल्स का होम दिया गया हो, तो उसको कैसे हम इंडिकेट करेंगे, तो एरो दिखाकर राइट एरो बनाकर इक्वल टू मूव राइट वन स्क्वायर, लेफ्ट एरो दिखाकर मूव लेफ्ट वन स्क्वायर, ऊपर की तरफ है तो अप दिखाएंगे उसका इक्वल टू मूव अप वन स्क्वायर, और नीचे की तरफ दिखाएंगे इक्वल टू मूव डाउन वन स्क्वायर लिख देंगे. इस तरह से एरो को भी ध्यान में दीजिए, देखिए कि किस तरह से आपको एरो बनाना है. उसके बाद हाउ डू वी यूज़ दिस कोड, अब ये कोड आप कैसे यूज़ करोगे. वी कैन यूज़ देम टू राइट हाउ टॉबी गॉट टू हिज चैनल. लुक वंस अगेन एट हाउ टॉबी मूव्ड. अब इसमें फिर से देखिए कि कैसे टॉबी जो है अपने चैनल में मूव किया है. ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में स्क्वायर में इसमें ये एरो राइट एरो पे जंप किया है, फिर दूसरे वाले स्क्वायर में देखिए ये डाउन की तरफ जंप किया है, फिर तीसरे वाले में देखिए फिर ये राइट की तरफ जंप किया है, और ये चौथे वाले में देखिए फिर ये डाउन की तरफ जंप कर गया है. ठीक है, इस तरह से कर कर वी कैन राइट द कोड ऑफ हाउ ही मूव्ड लाइक दिस. इस तरह से आपको एरो को इंडिकेट कर देना है कैसे कैसे वो जंप करके कैनल में गया है. पहले राइट, एरो को ही इंडिकेट कर देना है इस तरह से कि कैसे बता देना है हमको. राइट की तरफ है तो राइट एरो बना दीजिएगा, डाउन की तरफ है तो डाउन, लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट, और अप की तरफ है तो अप. इस तरह से एरो हमको बनाकर बता देना है. ठीक है चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास. ओके चिल्ड्रेन.